गाइस, मैं हूं ज्योति विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं बिग हेडलाइंस। दोस्तों, बॉलीवुड एक्टर इरफान खान न सिर्फ बॉलीवुड में ही बल्कि उन्होंने हॉलीवुड में भी अपने एक्टिंग का डंका बजाया है। हर एज ग्रुप की ऑडियंस उनके एक्टिंग के कायल है, उनके एक्टिंग के दीवाने हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज यानी कि 29 अप्रैल को मुंबई के कोकिलाबेन हॉस्पिटल में सुबह 11 बजे एक्टर इरफान खान ने अपनी अंतिम सांस ली है। वो एक्चुअली कैंसर से ग्रसित थे। आपको बता दूं कि 2018 में इरफान खान को कैंसर होता है, जिसके बाद वो ट्रीटमेंट के लिए लंदन भी गए थे और आज उनका निधन हो चुका है। ये बात सभी के लिए किसी सदमे से बिल्कुल भी कम नहीं है। इरफान खान का जन्म राजस्थान के जयपुर में एक मुस्लिम के पठान फैमिली में हुआ था। उनके पापा टायर का व्यापार करते थे। पठान फैमिली में जन्म होने के बावजूद इरफान खान बचपन से ही वेजिटेरियन थे। कई दफा उनके पापा भी उन्हें चिढ़ाते थे कि पठान फैमिली में किसी ब्राह्मण का जन्म हुआ है। आपको बता दूं दोस्तों कि इंडस्ट्री में आने के बाद इरफान खान ने बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल किया है। जब NSDL में उनका एडमिशन हुआ, NSDL यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जब उनका एडमिशन हुआ, उसके दरमियान उनके पापा का भी निधन हो गया, जिसके बाद उन्होंने बहुत ज्यादा ही स्ट्रगल किया। घर से भी उन्हें पैसे मिलने बंद हो गए थे। इसके बाद NSDL यानी कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से मिलने वाली फेलोशिप की राशि के जरिए ही उन्होंने अपना पूरा कोर्स कंप्लीट किया। 1995 में इरफान खान ने अपनी क्लासमेट यानी कि सुताबा सिकंदर से शादी रचा ली। पहले तो उनकी फैमिली उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन बाद में वो मान गए। आपको बता दूं कि इरफान खान के हर मुश्किल की घड़ी में उनकी वाइफ ने उनका पूरा साथ दिया है। इरफान खान के 2 बेटे हैं, बाबिल और अयान। इरफान खान ने अपने करियर में बहुत ही यादगार फिल्में दी है, जिसके ऑडियंस बहुत ही कायल है। आपको बता दूं दोस्तों कि इरफान खान बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उन्होंने हॉलीवुड की भी बहुत फिल्में की है। स्पाइडरमैन, जुरासिक पार्क और इन्फर्नो जैसी फिल्में दे चुके हैं इरफान खान। आपको बता दूं दोस्तों कि हॉलीवुड एक्टर टॉम हैंक ने भी इरफान खान की जमकर तारीफ की थी, उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की थी। यहाँ तक टॉम हैंक ने यह भी कहा था कि इरफान खान की आँखें भी एक्टिंग करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हासिल फिल्म के लिए इरफान खान को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। इसके बाद इरफान खान ने बहुत ही बेहतरीन फिल्में दी है, जैसे कि पान सिंह तोमर, लंच बॉक्स, लाइफ इन अ मेट्रो, मकबूल, मदारी, तलवार, हिंदी मीडियम जैसे बेहतरीन फिल्में दी है, जिसको ऑडियंस आज भी बेहद ज्यादा ही पसंद करती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक्टर इरफान खान को पान सिंह तोमर के लिए 2013 में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। यहाँ तक कि 2011 में उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। आपको बता दूं दोस्तों कि आखिरी बार इरफान खान अंग्रेजी मीडियम में नजर आए थे, जहां पर उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की गई है। लॉकडाउन के पहले ये फिल्म रिलीज हुई थी, इसके लिए बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई, इसलिए इरफान खान की मूवी अंग्रेजी मीडियम को OTT प्लेटफॉर्म पर भी रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय? आप इरफान खान के कितने बड़े फैन थे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कम्प्लीटली शैटर्ड एंड डीपली सैडन्ड टू नो अबाउट द पासिंग अवे ऑफ अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड एंड कुलीग and drama school junior Irfan Khan. It's not only the loss of the Hindi film industry, or it's a loss of the country and international entertainment world. He was an amazing actor, that goes without saying, but he was a wonderful human being also, very straightforward, with a great sense of humor, compassionate. It's so frightening and awful to talk about him in past tense. It's I don't know, I feel that it's too soon. 53 is no age. In fact, in today's time, no age is, we are already struggling with this pandemic and we are trying to hold back our depression, our sadness. We are struggling, and then for this news to come is very, very sad, very sad. My heart goes out to his wife and his child, and it will take us many, many years to register that he's not among us. It will take us many, many moments of some kind of, I just want to pray for his departed soul. I just feel it's sometimes the words are so insufficient to express shock and grief, and I will miss him, the world will miss him, and my Om Shanti, and may God rest his soul in peace. Irfan, this is not the way to deal with us. You I
इरफान भाई जीवन में कबड्डी तो बहुत है, कभी उतार की कबड्डी, कभी चढ़ाव की कबड्डी, लेकिन जिंदगी में जब मैच ऑन रहता है तो उम्मीद हमेशा कायम रहती है कि जीवन की कबड्डी में हम जीतेंगे। लेकिन जीवन की कबड्डी के मैच को बीच में ही छोड़कर चले जाना, फिर कभी ना आने के हिसाब से, ये बड़ा दुखदाई है। इरफान भाई, आपकी पुनरावृत्ति नहीं हो सकती, आपको हम लोग कभी नहीं भूल पाएंगे। लव यू इरफान भाई।